नमस्कार। झरोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आज हम कबीर की साखियों की व्याख्या करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, संदर्भ और प्रसंग देखेंगे और उसके साथ साथ जो उसके तात्पर्य हैं, काव्य सौंदर्य है, भाव सौंदर्य है, उन पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा नौवीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक से कबीर की साखियों की व्याख्या। तो सबसे पहले हम पहली साखी को लेते हैं जो इस प्रकार है, मान सरोवर सुघर जल हंसा केल कराह मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ी अनत न जाए। तो पहले इसके कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। इसमें मानसरोवर शब्द आया है। मानसरोवर असल में हिमालय पर्वत पर एक तालाब है, झील है, उसको मानसरोवर कहते हैं और ऐसा समझा जाता है कि वहां पर हंस पक्षी जो हैं वो होते हैं। तथा वो जो दूसरा शब्द है सुभर, सुभर यानी अच्छी तरह से भरा हुआ। केली का अर्थ होता है क्रीड़ा। मुक्ता फल के से तात्पर्य है मोती और अनत याने अन्यत्र किसी और दूसरी जगह न जाना। संदर्भ इसका देखते हैं तो हम संदर्भ इस तरह लिखेंगे जो आगे की सभी साखियों के लिए एक सा होगा कि यह साखी हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज से अवतरित की गई है। इसके रचनाकार निर्गुण धारा के भक्त कवि कबीर दास जी हैं और अब हम इसमें प्रसंग देखेंगे। तो प्रसंग में हम ये बताएंगे कि यहाँ पर कवि ने जो भक्ति संबंधी उनके विचार हैं उनको अभिव्यक्त किया है। अब चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए पहले इसकी एक जो सरलार्थ है, इसका जो सहज व्याख्या है वो ये है कि मानसरोवर नामक झील में जल परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है, जरा सा भी जल की कमी नहीं है और वहां पर हंस पक्षी किलोलें कर रहे हैं, उस जल में नहा रहे हैं, पंखों को डुबा रहे हैं, आनंद में डूबे हुए हैं, क्योंकि जितने जल की उन्हें आवश्यकता है उससे भी कहीं ज्यादा जल उस मानसरोवर झील में मौजूद है और उनके खाने के लिए वहां पर मोती बिखरे हुए हैं, इसलिए वे उस जगह को त्याग कर और कहीं जाना नहीं चाहते। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, सरल अर्थ है जो उससे निकल रहा है साखी को पहली दृष्टि में देखने से। पर कबीर दास जी ने ये साखी इसलिए नहीं रची है कि वो इतनी सरल सी बात कहने के लिए एक साखी को रचेंगे। उनका इसके पीछे एक प्रतीकार्थ है, एक तात्पर्य है और वो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा मन ही मानसरोवर झील के समान है और यह ज्ञान के जल से पूरी तरह भरा हुआ है। यहां पर मोती बिखरे हुए, ये मोती जो है अध्यात्म के मोती हैं, ज्ञान के मोती हैं और इसको हंस रूपी जो सज्जन पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो इसको चुगते हैं, इसी से उनका जीवन चलता है और वो इस जगह को त्याग कर कहीं और नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहां उनकी इच्छा की पूर्ति करने वाली सब चीजें हैं। अब मैं आपको यहां एक विशिष्ट बात बताना चाहूंगा जो हर बार विभिन्न जगहों पर बताता भी हूं कि यहां पर एक लोक धारणा का, एक मिथक का प्रयोग हुआ है। मिथक यह है कि जो हंस पक्षी है वह मोती चुगता है, उसका भोजन मोती है,
ये सत्य नहीं है, वैज्ञानिक सत्य नहीं है। चिड़ियाघरों में हंस पाले गए हैं और वो कीड़े मकोड़े जो साधारण सब पक्षी जो खाते हैं वो खाते हैं, परंतु समाज में एक लोक धारणा अनेक बातों के लिए बन जाती है, तो इस बारे में भी बनी हुई है। क्यों बनी है? इसलिए बन जाती है कि हंस पक्षी एक दुर्लभ पक्षी है, खूबसूरत पक्षी है, आसानी से वो हमें दिखाई भी नहीं देता, तो इतना सुंदर और ऐसा अलभ्य पक्षी आखिर क्या भोजन करता होगा। जब ये किसी के मन में, लोक के मन में, समाज के मन में ये सवाल आया, तो उसने अपना जवाब भी खोज लिया कि अरे वो इतना खूबसूरत और इतना विशिष्ट पक्षी है जो सरस्वती का वाहन भी है, वह क्या ऐसी वैसी चीजें खाएगा? मोती खाएगा। और एक कहावत भी है, क्या हंसा मोती चुगे या लंघन कर जाए। मोती खाएगा हंस और नहीं मिलेगा तो उपवास कर लेगा, लंघन कर जाएगा, भूखा रह जाएगा, कोई और क्षुद्र चीजें तुच्छ चीजें नहीं खाएगा। तो ये मिथक है, इसको जान लेना आवश्यक है। पर कवि कबीरदास जी ने इसी मिथक के माध्यम से एक गूढ़ार्थ प्रस्तुत किया है। गूढ़ार्थ क्या है? गूढ़ार्थ यही है कि हमारा मन ही मानसरोवर झील है और उसमें संत रूपी हंस किलोले करते हैं, मन की आत्मा में, अध्यात्म में, आंतरिकता में डूब जाते हैं और वहां उनको ज्ञान रूपी मोती उपलब्ध रहते हैं, वे उसी को चुगते हैं, उसे ही ग्रहण करते हैं, उसे ही बटोरते हैं, क्षमा कीजिएगा। तो ये उनके जीवन का सर्वोत्कृष्ट कार्य है, इसलिए वो इस मानसरोवर झील को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। और अब हम देखते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य सबसे पहला तो यही है कि इसमें प्रतीकात्मकता का प्रयोग हुआ है। मानसरोवर, हंस और मोतियों के प्रतीक से कबीरदास जी ने किसी दूसरे भाव को प्रकट करने का इसमें काम किया है। और भाव सौंदर्य है कि कबीरदास जी ने भक्ति संबंधी अपने विचारों को इसमें प्रस्तुत किया है। अब आते हैं दूसरे साखी पर। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले ना कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो शब्दार्थ इसमें कोई बहुत कठिन है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, सीधे व्याख्या पर आते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर से, ब्रह्म से, परमात्मा से प्रेम करता है, वह दुनिया में ऐसा ही प्रेम करने वाले दूसरे व्यक्ति को खोजने के लिए जब निकलता है तो उसे सच्चा प्रेमी कोई नहीं मिलता। प्रेमी बहुत से मिलते हैं, तरह तरह के प्रेमी मिलते हैं, पर उन सब का प्रेम भिन्न है। कोई दौलत से प्रेम कर रहा है, कोई धन से कर रहा है, कोई आत्ममुग्ध है, अपने ही आप पर फिदा है, सौंदर्य से प्रेम कर रहा है, कोई अपने घर में फिदा है, घर से प्रेम कर रहा है, सोने चांदी से प्रेम कर रहा है, संसार से प्रेम कर रहा है। तो ये साधारण किस्म के जो प्रेम हैं, ये तो हजारों तरह के, परंतु इन प्रेम से ऊपर उठकर, इस प्रेम से अपने आप को काटकर परमात्मा के परम प्रेम में जो डूबता है, वो सच्चा प्रेमी कबीरदास जी की दृष्टि में है। और वे कहते हैं जब ऐसा कोई प्रेमी मिल जाता है तो ऐसे में विष भी अमृत की तरह हो जाता है। विष यानी जहर और अमृत शब्द यानी अमर कर देने वाला तत्व, जहर मारता है, अमृत अमर कर देता है, मृत्यु को भी दूर कर देता है। तो सब विष अमृत कैसे हो जाता है? कि हमारे सारे दुर्गुण, सारे विकार, सारे मोह, सारा हमारे अंदर भरा हुआ
जो दुर्भाव है वो नष्ट हो जाता है। तो ये इस साखी का प्रमुख भाव है। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें कहा गया सब विष अमृत होए, विरोधाभास अलंकार है कि विष को अमृत बता दिया गया है। सच्चा और इसका जो भाव सौंदर्य है वो है कि सच्चा प्रेम सद्गुणों की रचना करता है। अगर हम सच्चा प्रेम करने लग जाएं तो हमारे जो अवगुण हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो सब दूर हो जाती हैं, क्योंकि निर्मलता आती है प्रेम से। मन निर्मल होता है, उसका जो मल है, मैल है, वो नष्ट होता है। और अब तीसरी साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखल दे झक मार। इसमें जो कठिन शब्द हैं वो है हस्ती यानी हाथी, दुलीचा यानी गलीचा, और स्वान यानी कुत्ता, भूकन यानी भौंकना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या पर आते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथी की सवारी अगर आपको करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करने के लिए आप चाहेंगे कि हाथी की पीठ पर एक खूबसूरत गलीचा भी डाल दिया जाए, उस पर आप बैठे तो जरूर डालिए, मगर यह गलीचा सहजता का होगा, सादगी का होगा, पाखंड और दिखावे का नहीं होगा। तात्पर्य है कि ज्ञान के माध्यम से सहजता के द्वारा आप परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़िए। ये सारा संसार तो कुत्तों की तरह है, वह हाथी को देखकर भौंकता है, तो उसे भौंकने दीजिए, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा काम नहीं है। वह अज्ञानी है, वह ज्ञान को देख करके अपने आक्रमण करता है, हमला करता है, और वह अपशब्द भी प्रयोग में लाता है, उसकी परवाह मत करो। हाथी को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, इसी तरह ज्ञानी को देख करके अज्ञानी लोग उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य है हस्ती चढ़िए ज्ञान को। इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि हाथी की तुलना ज्ञान से की गई। सहज दुलीचा डार रूपक अलंकार है क्योंकि सहजता को गलीचा बना दिया गया है। स्वान रूप संसार है, फिर उपमा अलंकार आ गया क्योंकि स्वान के साथ, कुत्ते के साथ तुलना की गई है। और भाव सौंदर्य क्या है, सहज ज्ञान से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। ये कवि का विचार, कबीरदास जी का यह भाव इस साखी में प्रमुख रूप से सामने आता है। चौथा है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इसमें कठिन शब्द देख लेते हैं, पखा पखी पक्ष और विपक्ष, भुलान यानी भ्रम में पड़ जाना, निरपक यानी निष्पक्ष होना, किसी पक्ष के साथ नहीं रहना, अलग हो जाना। संत सुजान यानी साधु और सज्जन लोग। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा, व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे धर्म हैं, धर्मों की आराधना पद्धतियां बहुत सी हैं, ईश्वर तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। तो कोई किसी रास्ते पे चल रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी आराधना प्रणाली को अपनाए हुए है, कोई इस पक्ष की बात करता है, कोई उस पक्ष की बात करता है, रास्ते सबके ईश्वर तक ही जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें पड़ गए कि मेरा पक्ष सही है, तुम्हारा पक्ष खराब है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा कमजोर है, बेकार है, हमारी आराधना पद्धति उच्च कोटि की है, तुम्हारी निम्न कोटि की है, तो हम यहीं पर लड़ते झगड़ते अपने आप को नष्ट कर लेंगे और हम अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। और जो इससे निष्पक्ष हो जाएगा कि उसको इस पक्ष से भी कोई लेना देना नहीं, उससे भी नहीं लेना देना, केवल अपने लक्ष्य से लेना देना है, वही अंत में
साधु और संतों की तरह इसमें सफल होता है, आगे रास्ता उसको मिलता है, लड़ाई झगड़ों से मुक्त हो जाता है, पक्ष विपक्ष से परे चला जाता है। तो ये थी व्याख्या। और इसका काव्य सौंदर्य क्या है, सोई संत सुजान सा वर्ण, तीन बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। और भाव सौंदर्य क्या है, मतभेदों से अपने को परे रखना चाहिए, मतभेदों में पड़ना नहीं चाहिए, ये कबीरदास कह रहे हैं। पांचवी साखी क्या है, हिंदू मुआ राम कह मुसलमान खुदाए, कहें कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न जाए। इसमें कठिन शब्द हैं, जीवता यानी जीते रहना, दुहु यानी दोनों, निकट यानी करीब, और संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा। व्याख्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में और हमारे देश में दो प्रमुख धर्म हैं, हिंदू और मुस्लिम। एक पक्ष के लोग राम राम कहते हुए और मर जाते हैं, उसके लिए मर मिटते हैं। दूसरा खुदा खुदा कह करके उसके लिए मर मिटता है। दोनों एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन दोनों को ना किसी को राम मिलता ना किसी को खुदा मिलता, क्योंकि तुम तो संघर्ष में यही अपनी सारी शक्ति को, अपने सारे ज्ञान को, अपनी सारी भक्ति को इस दिखावे में नष्ट किए डाल रहे हो कि मेरा खुदा श्रेष्ठ है या मेरा राम श्रेष्ठ। वे कहते हैं कि इस संसार में केवल वही जीवित रहता है, उसी की आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर अमर हो जाती है, जो इन दोनों के करीब नहीं जाता, अर्थात ना वो इस पक्ष के चक्कर में पड़ता ना उस पक्ष के, वो मजहब कैसा है ये मजहब कैसा है, इन सबसे ऊपर उठ करके सबके प्रति सम दृष्टि रखते हुए जो आगे बढ़ता है वह संसार में सदैव अमर रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। काव्य सौंदर्य इसका देखते हैं, इसमें कहा गया है कि सरलतम विचार प्रदर्शन ही जो है वो मनुष्य को भक्ति के रास्ते पर आगे ले जाते हैं। और भाव सौंदर्य है कि उन्होंने, कबीर ने समुदाय और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर भक्ति करने की बात कही है। छठवां है साखी, काना फिर काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। इसके कठिन शब्द हैं, मोट याने मोटा, चून याने आटा, जीम याने भोजन करना, संदर्भ प्रसंग वैसे ही रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि इस्लाम को मानने वालों के लिए पवित्र स्थली काबा है, हिंदू धर्म को मानने वालों का तीर्थ स्थल काशी है, एक के लिए काबा एक के लिए काशी। एक कहता है राम मेरे आराध्य हैं, दूसरा कहता है रहीम मेरे आराध्य हैं, रहम करने वाला ईश्वर खुदा। पर कबीरदास जी कहते हैं देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मोटे आटे को चक्की में पीस करके जब उसे खूब बारीक कर लिया जाता है, पतला कर लिया जाता है, तो उसका नया नाम हो जाता है मैदा। ये आटा है वो मैदा है, दोनों गेहूं से बने हैं, मूल तत्व एक ही है गेहूं, परंतु एक मोटा है और एक बारीक है, इसलिए नाम भिन्न है। इसी तरह राम और रहीम ये भिन्नता दिखाई दे रही है, काबा और काशी भिन्नता दिखाई दे रही है, परंतु मूल तत्व एक ही है कि परमात्मा संसार में एक ही है, उसके नाम अलग हो सकते हैं, उसको पाने के रास्ते अलग हो सकते हैं, ये हमारी दृष्टि का भ्रम है। हमने उसी तत्व को एक अलग नाम दे दिया, एक अलग स्वरूप दे दिया, तो इससे वह अलग अलग नहीं होता, वह वही मूल भाव बना रहता है।
और इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। कवि ने बहुत से उदाहरण देकर अपनी बात कही है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। भाव सौंदर्य क्या होगा? भाव सौंदर्य यह है कि मूल तत्व ही प्रमुख होता है, उसका जो स्वरूप बदलता रहता है उसके कारण उसका मूल भाव नहीं बदल जाता। सातवीं साखी पर आते हैं। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसके कठिन शब्द देखते हैं। जनमिया यानी जन्म लेना, करनी यानी कर्म, सुबरन यानी स्वर्ण सोना, और सुरा यानी शराब। और अब आते हैं व्याख्या पर। संदर्भ प्रसंग तो वही रहेगा। इसकी व्याख्या यह है कि अगर किसी ने बहुत उच्च कुल में जन्म ले लिया है और वो समझता है कि इस कारण से मैं बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति हो गया हूं, तो कबीर दास जी कहते हैं कि ये बात सत्य नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो जाता। अगर उसकी करनी ऊंची नहीं है, कर्म ऊंचे नहीं है, तो वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। एक उदाहरण भी देते हैं कि शराब जो मनुष्य के अंदर नशा पैदा करती है, उसकी बुद्धि को हर लेती है, अगर उसे सोने के पात्र में रख दिया जाए तो क्या वह श्रेष्ठ हो जाएगी? तो कुल एक पात्र है, पर उसके अंदर भरा हुआ तत्व जो है वो मनुष्य है, हम हैं। कर्म अगर हमारे श्रेष्ठ होंगे तभी हम श्रेष्ठ हो सकते हैं। हम केवल कुल में जन्म लेने से ही श्रेष्ठ अगर अपने को समझते हैं तो हम असल में अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं, भ्रम पाले हुए हैं। ये इसका अर्थ है। और अब काव्य सौंदर्य देखते हैं। सुबरन कलश सुरा भरा उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें तुलना की गई है। और भाव सौंदर्य है कि कर्म से ही उच्चता मिलती है, कुल से जाति से नहीं मिलती। तो यह थी कबीरदास की साखियों की व्याख्या। और अगली बार हम कबीरदास जी के शब्द पदों की व्याख्या करेंगे। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।